जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक्स का अध्याय 3 विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के अंतर्गत आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म पढ़ने जा रहे हैं और ये इम्पॉर्टेंट टर्म है ओम का नियम। और जाहिर सी बात है ओम का नियम है तो इस नियम को ओम ने ही दिया था। और देखें इस नियम का प्रतिपादन सन 1826 ईस्वी में जर्मनी के भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम। तो सन 1826 ईस्वी में इस नियम का प्रतिपादन जर्मनी के भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने किया था। तो इस नियम के अनुसार देखें जॉर्ज साइमन ओम ने ही इस नियम को प्रस्तुत किया था और ये 1826 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। तो अब ओम का नियम क्या है ये हम लोग देखेंगे। यदि कोई चालक है, चालक उसको कहते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। तो नॉर्मली जितने धातुएं होती हैं सभी चालक होते हैं। तो यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो भौतिक अवस्था का क्या तात्पर्य है? तो भौतिक अवस्था का मतलब चालक का टेम्परेचर में परिवर्तन न किया जाए, चालक की लंबाई में परिवर्तन न किया जाए, चालक की मोटाई में न परिवर्तन किया जाए। तो इसको हम कहेंगे कि चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। तो यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो चालक, अगर ये कोई चालक तार है और चालक तार के सिरों पर का विभवांतर भी है और इस चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा I है, तो V और I का जो अनुपात होता है यह अनुपात एक स्थिरांक होता है, एक कांस्टेंट होता है। और मैं आपको बता दूं कि यह स्थिरांक चालक तार के वैद्युत प्रतिरोध के बराबर होता है, इसलिए हम इसको V/I = R कहते हैं। तो यही ओम का नियम है। ओम के नियम को आप बहुत अच्छी तरह से तैयार किए रहेंगे, हमेशा एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। अब हम आपको अपवाह वेग या अनुगमन वेग के आधार पर हम ओम के नियम का सत्यापन करेंगे। ये ओम के नियम का सत्यापन भी आपसे हमेशा पूछा जाता है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं ओम के नियम का सत्यापन यानी वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ बाय यूजिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग या अपवाह वेग का प्रयोग करते हुए हम ओम के नियम का सत्यापन करने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक देखें, हमने माना कोई चालक तार जिसके सिरों के मध्य विभवांतर भी स्थापित किया जाता है। तो जहाँ विभवांतर स्थापित होता है वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र भी स्थापित हो जाता है और वैद्युत क्षेत्र स्थापित होने के ही वजह से चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। हम मान लेते हैं कि चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है और इस चालक तार की जो लंबाई है यह चालक तार की लंबाई स्मॉल L है। तो आपको पता है, देखें यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेश वाहक की तरह काम करते हैं। तो
जब चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर स्थापित होगा तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और इस वैद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों के ऊपर एक प्रकार का वैद्युत बल कार्य करने लगेगा। तो हम देखते हैं कि वह वैद्युत बल कितने के बराबर होगा। आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E=F/Q होता है। तो अगर यहाँ से हम F की वैल्यू निकालें तो ये Q(E) हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई दूसरा आवेश नहीं बल्कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आवेश के जगह पे इलेक्ट्रॉन E कर देंगे और फिर ये हो गया कैपिटल E। अब एक बात ध्यानपूर्वक देखें, हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के मध्य संबंध भी देख चुके हैं, E=V/D हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर विभवांतर भी है और D के जगह पर चालक तार की लंबाई L है, हम यहाँ L कर देंगे। तो फिर देखें क्या मिलेगा आपको, F=E और कैपिटल E के जगह पे हम कर देंगे V/L। अब देखिए, जब आवेश वाहक पर यह वैद्युत बल कार्य करता है ना, तो वैद्युत बल के कारण त्वरण उत्पन्न हो जाता है। और आपको पता है कि त्वरण, अगर हम लोग न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम का हम उपयोग करें तो ये F=m·a, जहाँ m यहाँ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा और a त्वरण हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें a की तो ये हो जाएगा F/m। फिर देखिए हम यहाँ लिख देते हैं, तो A=, अब हम F की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो F की वैल्यू है E·V/l, ये F की वैल्यू थी और नीचे है m, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला त्वरण है। और आपको पता है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी त्वरण A=वेग परिवर्तन का दर। तो अगर हम यहाँ से भी की वैल्यू निकालें तो A·T हो जाएगा। तो याद रखे रहिए, यहाँ पर वेग जो होगा ये मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग होगा और मुक्त इलेक्ट्रॉन के वेग को अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं, जिसको हम VD से रिप्रेजेंट करते हैं। और A जो है त्वरण हो जाएगा, यहाँ पर हम A त्वरण रख लेते हैं, तो A के जगह पर E·V/m·m हो जाएगा। और यहाँ पर T टाइम है, यहाँ जानते हैं टाइम क्या होता है, यहाँ पर समय श्रांति काल होता है। श्रांति काल का मतलब दो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय, और श्रांति काल को हम टा से प्रदर्शित करते हैं, तो T के जगह पे टा हो जाएगा। तो ये हम लोगों को अनुगमन वेग मिला है। लेकिन आपको पता है कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग या अपवाह वेग के बीच जो संबंध होता है I=NeAvD होता है। अब हम यहाँ पर VD की वैल्यू रखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या मिल रहा है, तो I=NeA और VD की वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूँ, E·V/L·m हो जाएगा टा। अब देखें फिर हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर V और I को एक साथ कर रहे हैं। देखिए V को हम इधर ला देते हैं, तो ये हो जाएगा I·V और शेष सारी जो चीज़ें हैं इनको हम एक जगह रखते हैं, तो फिर देखें क्या मिलेगा। ये है N·E·E² हो जाएगा, और फिर ये है A और ये है टा, और फिर नीचे है स्मॉल L और फिर ये है m।
अब हम लोग इसका रिवर्स कर दें, रिवर्स करके देखते हैं कि क्या मिलता है। तो आई बटे भी के जगह पे भी बटे आई हो जाएगा। तो अब हम यहाँ कर देंगे भी बाई आई इजकल टू, देखें ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका यलयम अपान यन ई स्क्वायर ए इंटू टा। अब ज़रा हम लोगों को यहाँ ध्यान देना होगा, देखिए यल क्या है, चालक तार की लंबाई है, तो चालक तार की लंबाई में तो हम किसी प्रकार का कोई परिवर्तन, अगर हम एक निश्चित लंबाई का चालक तार ले लिए हैं तो चालक तार की लंबाई में हम बार बार किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी चालक तार की लंबाई कांस्टेंट होगी। और स्मॉल एम मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कभी चेंज होता है क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि स्मॉल एल कांस्टेंट होता है, स्मॉल एम कांस्टेंट होता है, और स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन चालक तार के एकांक आयतन से प्रति सेकंड गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी ये भी कांस्टेंट होती है। और स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको मालूम ही है कि ये भी कभी चेंज नहीं होता है। और फिर ए जो है चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, तो चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप कह चुके हैं पहले ही कि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। तो भौतिक अवस्था में अगर आप परिवर्तन नहीं करेंगे तो लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ए में कोई परिवर्तन नहीं होगा, टा श्रांति काल है, श्रांति काल में भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये राइट साइड में जितनी भी राशि मिली है ये पूरी की पूरी राशि कांस्टेंट है, ये पूरी राशि ही कांस्टेंट है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी चालक तार के सिरों के मध्य, यानी इस प्रकार ओम का नियम यहाँ से मिल रहा है कि यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो चालक तार के सिरों के मध्य का विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, एक कांस्टेंट होता है, जो ये कांस्टेंट मिला है। और आपको पता है कि यह कांस्टेंट जो है वैद्युत प्रतिरोध के बराबर होता है। तो अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें और फिर ओम का नियम भी बाई आई इजकल टू आर इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें, अगर दोनों का हम कंपेरिजन कर दें तो देखें लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से कैपिटल आर इजकल टू मिलेगा यल यम अपान यन ई स्क्वायर एटा। तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा, इस सूत्र की सहायता से हम किसी चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। ये वैद्युत प्रतिरोध ज्ञात करने का फार्मूला है कि अगर आपको किसी चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध ज्ञात करना होगा तो इसी फार्मूले की सहायता से हम ज्ञात करेंगे। तो अभी आपने देखा है कि ओम का नियम क्या है, ओम के नियम का स्टेटमेंट देखा है, फिर अपवाह वेग या अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का आपने सत्यापन देखा है, और फिर आप यहाँ देखे हैं कि वैद्युत प्रतिरोध का फार्मूला क्या होगा, किस फार्मूले की सहायता से अगर किसी भी चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध ज्ञात करना होगा, यानी अगर चालक तार की लंबाई मालूम हो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको मालूम ही है, यन इलेक्ट्रॉनों की संख्या मालूम हो, स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और कैपिटल ए चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, ये अगर आपको मालूम है, और टा श्रांति काल अगर आपको मालूम हो जाए, तो इन सभी वैल्यूज को रख करके हम चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये ओम का नियम विधिवत कंप्लीट होता है। हमें उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए,
और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को आप क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे, और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि यह इम्पॉर्टेंट टर्म मैक्सिमम स्टूडेंट अच्छी तरह से समझ सकें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।